हर जगह श्री रामचंद्र के जयकारे लग रहे हैं और यहाँ पे शुरुआत हो गई है बम पटाखे फोड़ने की। नहीं हुआ। अब जाएगा। ओह माय गॉड, तुमको डर लगा? मामे हाँ, ये ना बुलेट बम है जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है और बहुत डेंजर लगता है मुझे ये। पांच आके चला। अरे चले तो, कहीं मेरे हाथ में यार को पकड़ ले। हट जा, हट जा, जल तो चुका है। हाँ हाँ, है ना? क्या हो गया वानू? हम लोगों ने लगा लिया है गुआ रंग का झंडा। सब ने लगा रखे हैं हमारी ना पूरी गली में। मैं आपको दिखाती हूँ, शुरू से लेके ये देखो, सब ने लगाया हुआ है, सब ने। ये देखो पूरी गली में लगे हुए हैं और लगाएंगे भी। फिर से हमारा राम राज आ गया है ना, यही एक मौका है अपने सनातन धर्म को बढ़ावा देने। अनु और पापा खेली खेली कर ले हैं। वानू जय करो। जय। ये आजकल बिगड़ गई है लड़की। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अभी बजे हैं दोपहर के 12 और चारों तरफ से ना बम पटाखे की आवाजें आ रही थी, तो इसीलिए थोड़े से हमने भी चला लिए। बाकी तो हम ना बच्चे आ जाएंगे ना जब नाइट में, मतलब 7-8 बजे चलाएंगे। और ये देखो मेरा वानू को ना छोना है ना, ये सोने के लिए कर रही है फिलहाल। कैसे सोती है वानू? क्या छे? और फिलहाल ना हम सोच रहे हैं थोड़ा ना इधर उधर देख के आए बाहर कैसा क्या चल रहा है। तो सबसे पहले ना मैं कुछ चेंज कर देती हूँ कपड़े वानी के, और उसके बाद ना हम थोड़ा सा इधर उधर घूम के आते हैं, एक्सप्लोर करके आते हैं। अभी ना मैं वानी के कपड़े बदल रही हूँ और मैंने इसको आज नहलाया नहीं है, क्योंकि मैं इसको एक दिन छोड़ के एक दिन नहलाती हूँ, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। जैसा कि जो लोग दिल्ली रहते हैं उन्हें पता ही होगा। जब भी मैं इसको रेडी कर रही होती हूँ कुछ कुछ हाथ में लेके बैठ जाती है। डेली का है इसका, ये आज ही नहीं है। अरे रुको भाई, बादाम 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 इसको ना, हाँ बादाम बादाम, इसको बादाम बोलना भी आ गया है। काजू भी सीख लो, काजू काजू बादाम बादाम आ जाओ। वानू जा रहा है अभी घूमू घूमू करने, है ना वानू? ओ ओ वानू, मैं आपके सॉक्स नहीं लेके आई। रुको 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 रुको, चल यार चल, एक बज गया और बच्चे भी आएंगे। चलो चलो, बस सूज बना रही हूँ वानी को। अभी ना हम लोग निकल रहे हैं, ये तो चले गए हैं नीचे वानी को लेके, और अभी जा रही हूँ मैं भी। इसको लग रहा है कि इसे नहीं लेके जा रहे हैं। अभी हम लोग आ गए हैं बाहर, और ये ना हमारे घर से ना बाहर की तरफ जब आते हैं मेन रोड की तरफ से है ये पूरा, कितने अच्छे से सजाया हुआ है आप देख सकते हैं। हर जगह राम नाम के जयकारे हैं। यहाँ पे तो भंडारा भी हो रहा है, तैयारियां हो रही हैं। हर जगह है, मतलब भगवा रंग का झंडा, सीरियसली मतलब सोच से भी ऊपर हो गया। तो कहाँ एक ख्वाब होता था इस रंग को फहराने का, आज वो पूरा हो चुका है। ये भंडारा है अभी।
बहुत ही अच्छा है, मतलब बाहर ना एक अलग ही तरह का ऑरा है पूरे चारों तरफ ना, मतलब वो कभी कहाँ न्यूज़ में आता था ऐसा कुछ चल रहा है, ऐसा कुछ चाहा जा रहा है, ऐसा कुछ पुरानी विरासत है जो अभी हमारे पास नहीं है उसे अपनाना है, और आज वो सारा सपना सच हो चुका है। ये देखो वो जो एक मोदी जी के का सपना होता था ना कि हर घर भगवा तिरंगा, वो आज सच हो ही गया फाइनली। और राज की एक बात बताऊं, यहाँ ये जो मैं दिखा रही हूँ ना आपको, ये यहाँ पे ना सारे माउंटेन्स हैं, और फिर भी मतलब इसे कहते हैं भारत में एकता, इसी तरह मतलब आगे जाके और ज़्यादा बढ़ेगी। कुछ लोग होते हैं तो मतलब वो एक ऐसे है जैसे फैमिली में लोग होते हैं, कुछ नेगेटिव सोचते हैं कुछ पॉजिटिव, ऐसे ही कास्टवाद में होता है। ये देखो बैलून, और मतलब अच्छी डेकोरेशन है चारों। ये देखो फ्रेंड्स भंडारा हो रखा है यहाँ पे, मतलब जगह जगह भंडारे हैं, हर जगह राम नाम संकीर्तन। हाँ ये वेगस के बाहर है। हमेशा ना आप लोग वेगस में ना पैसे लगा के खाते होंगे, आज बिना पैसों के भी पेट भर सकते हैं आप। तो अभी हम लोग ना आपको ना द्वारका की सैर करा रहे हैं, कुछ कुछ मंदिर हमने एक्सप्लोर करे हैं, और अभी हम लोग जा रहे हैं इस्कॉन टेम्पल की तरफ। एक ही नारा गूंजेगा, भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। ये देखो फिलहाल हम पहुंच गए हैं इस्कॉन टेम्पल, और ये देख सकते हो आप भी भंडारे की है ये फ्रेंड्स। ये ज्यादा भीड़ हुई ना फिर मैं नहीं जा पाऊंगी, उसके लिए सॉरी। ये भंडारे की अंदर की है। हाँ ठीक है जा सकते हैं अंदर की भी। हाँ जा सकते हैं। अभी हम पहुंच गए हैं इस्कॉन मंदिर, और सबसे पहले हमने अपने शूज़ रखे सूरैक में, और यहाँ पे देखो क्या मस्त तैयारियाँ चल रही हैं। यहाँ पे ना ये देखो इन्होंने ना दीपक से राम लिखा है, पहले लिखा है श्री राम और उसके साइड में बनाया है धनुष। ये देखिए आप देख सकते हो साइड में धनुष भी बनाया है, कितना प्यारा सा, और बहुत अच्छी डेकोरेशन की है। और यहाँ पे ना हम जाएंगे थोड़ा आगे की तरफ और देखते हैं, आगे भी कुछ लोग लग रहे हैं शायद रंगोली बना रहे हैं। ये देखो यहाँ पे भगवान श्री राम और माता सीता भक्त हनुमान के साथ रंगोली से बनाए हुए हैं, बहुत ही सुंदर दृश्य है ये। अभी हम लोग द्वारका के इस्कॉन मंदिर में आए हैं, बट हमने यहाँ देखा ठाकुर जी के तो कपाट बंद हैं, पर जो काफ़ी सारे भक्त यहाँ बैठे हुए हैं वो जो अयोध्या में जो गतिविधियाँ चल रही हैं प्राण प्रतिष्ठा की, उन गतिविधियों को यहाँ पे लाइव दिखाया जा रहा था, और बहुत सारे भक्त भक्ति भाव में विभोर होते हुए यहाँ पर स्थापना दिवस का लाइव आनंद उठा रहे थे, जैसा कि आप देख सकते हैं। और यहाँ पर ना कीर्तन भी चल रहा था, पूरे मंदिर में बहुत ही ज़्यादा चहल पहल थी, कोई कुछ तैयारियाँ कर रहा है, कोई कुछ तैयारियाँ कर रहा है, सब अपने कामों में लगे हुए थे, और भक्त अपना दर्शन करने आ रहे थे और फिर वापस जा रहे थे। ये देखिए ये ना मंदिर की परिक्रमा है, इसको भी इन्होंने पूरा दिए से सजाया हुआ था, बड़ी सुंदर सुंदर आकृतियों से। और अभी मैं आगे दिखाऊंगी, आगे तो बहुत ही सुंदर आकृतियां बना रखी हैं दियों से। ये देखो यहाँ पे भी हुई है, यहाँ पे इन्होंने सीता राम लिखा हुआ था,
और बहुत सारी दिए की आकृतियां बनाई हुई थी दियों से। ये देखिए, ये यहाँ पे बॉर्डर टाइप से क्रिएट किया हुआ था और मेन द्वार फूलों से सुसज्जित था। और यहाँ पे हुआ ये, हम लोग निकल रहे थे और इस लड़की ने ना एकदम से वानी को छीन लिया इनकी गोद से और वीडियो बनाने लगी और हम दोनों हैरान हो गए थे कि ये क्या हुआ। अभी हम लोग आ गए हैं मंदिर से, मंदिर तो बंद था और यहाँ पे पापा वानू को शूज बना रहे हैं। ये देखो फ्रेंड्स, गाड़ियों पे भी कितने बड़े बड़े झंडे लगाए हुए थे सबने। अभी हम जा रहे हैं इस्कॉन मंदिर से और ये ना यहाँ पे गुरुकुल बन रहा है इस्कॉन की तरफ से। ये देखो फ्रेंड्स, ये भी राम नाम का संकीर्तन कर रहे हैं पूरे कतारबद्ध होके। अभी हम लोग आपको एक बहुत ही अच्छी जगह लेके जाने वाले हैं, तो आप भी अच्छे से इंजॉय करना। अभी हम लोग आए हैं भगवान श्री राम के आने की खुशी में, ये रैली निकाली जा रही है इसमें सम्मिलित होने के लिए। तो आइए आप भी हमारे साथ शामिल हो जाइए और ज़ोर से नारे लगाइए भगवान श्री राम के नाम के, क्योंकि हम बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली हैं। वो इसलिए क्योंकि सतयुग में जिन लोगों ने देखा होगा राम का प्राकट्य, बस उन्होंने ही देखा था। सतयुग के बाद आज हम देख पा रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं हम कितने भाग्यशाली हैं जो राम जी की प्राण प्रतिष्ठा देख पा रहे हैं। कभी सतयुग में प्राकट्य उत्सव देखा होगा भगवान का उन लोगों ने, और आज हमारी पीढ़ी, हमारी जनरेशन के लिए ये सौभाग्यपूर्ण दिन हमें भगवान श्री राम ने दिखाया है। और ये सब पूरा हो पाया है आप लोग सनातनियों की तरफ से, क्योंकि अकेला इसमें कोई कुछ भी नहीं कर सकता था। हम सब सनातनियों और हमारी भारत सरकार, मोदी जी, योगी जी, सबके सहयोग से ये दिन उत्साह के साथ आनंद पूर्वक मनाया जा रहा है। अभी हम लोग मंदिर में दर्शन के लिए जा रहे हैं, रैली हो चुकी है समाप्त, मंदिर तक ही आनी थी और यहाँ पे चलिए दर्शन कर लेते हैं। भैया आप सुनते थे तो उसमें हर बार ये बात आती थी कि जहाँ देव सुलभ शक्तियाँ, प्रभु श्री राम, उनकी सेना, उनके भक्त कुछ अच्छा काम कर रहे होते हैं तो उसमें विघ्न डालने के लिए आसुरी शक्तियाँ भी सक्रिय हो जाती हैं। आज अयोध्या धाम में रामलला सरकार के विग्रह में प्राण प्रतिष्ठा स्थापित की गई है। यहाँ पे ना वानी बाहर आ गई थी और ये डॉगी के पास ना बार बार आई जाई जा रही थी, क्योंकि इसको ना डॉग्स बहुत पसंद है। कि हम लोग ना आए हैं एक मंदिर, ये गणेश जी का मंदिर है, बहुत ही बड़े गणेश जी की प्रतिमा है यहाँ पे। तो वहाँ पे ना बहुत पहले से ही, ये देखिए इस तरह से रामलला के आने की खुशी में तैयारियाँ हो रखी हैं। ये देखो यहाँ पे दीपक से शुरुआत की हुई थी और ये यहाँ पे हनुमान जी का गदा बनाया हुआ है रंगोली से, यहाँ पे बनाया हुआ है इन्होंने ओम। ये है हमारे भगवान श्री राम का धनुष और ये है स्वास्तिक, हमारे सनातन धर्म में स्वास्तिक सबसे पहले ही बनाया जाता है। ये है जय श्री राम लिखा हुआ है ये फूलों से, बहुत ही अच्छा मतलब डेकोरेशन की हुई है। अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं मंदिर से और मिलते हैं आपको घर पहुँच के।
फ्रेंड्स अभी हम लोग ना रंगोली बनाने वाले हैं फूलों से, और अभी हम बनाने वाले हैं यहाँ बालकनी में बना रहे हैं, क्योंकि अंदर ना वानी है छोटी और अंदर बनाऊंगी ना तो वो बार बार ख़राब करेगी और चीज़ों ये फूल वगैरह ना उठा के खाएगी, तो इसीलिए मैं बाहर बना रही हूँ। मैं ना यहाँ पे जय श्री राम लिखने वाली हूँ, और फिलहाल हम लिख रहे हैं जय। Wow, so beautiful, so brilliant, just looking like a wow. Wow, so beautiful, so elegant, just looking like a full, so elegant, just looking like a मैं तो स्टार्ट कर दिया मम्मी। मम्मी देख कर जाती है। जय श्री राम। नो मानू नो नो ऐसे नहीं करते ठीक। बिना ये मैंने लिख दिया है जय और ये श्री, और बाकी ना राम ना प्रेयसी लिख रही है। ये देखो वन प्लीज प्लीज बिना प्रेयसी बना रही है। अभी ये राम लिखने वाली है, और देखो शुरुआत जैसी इसने की है ना उससे ना लग रहा है काफी नीट एंड क्लीन लिखने वाली है। श्री राम सुना गई डॉली पे हमने ये लिख लिया है जय श्री राम, ये देखिए। और अभी हम जब थोड़ी रात हो जाएगी ना फिर लगाएंगे यहाँ पे दिए जलाएंगे। अभी मैं मेन गेट पे आ गई हूँ और यहाँ पे ना छोटे छोटे राउंड बनाऊंगी, क्योंकि फूल इतने ज़्यादा नहीं है प्रॉपर बड़ा कुछ बनाऊँ, तो यहाँ पे छोटे छोटे राउंड बना दूंगी और उसके अंदर हम दिए रख देंगे जब थोड़ी देर में दिए जलाएंगे। गेट बंद कर देना वानी निकल जाएगी। अभी मैं ये बत्तियां बना रही हूँ, ये देखिए जो हम दिए जलाएंगे ना उसमें जलाने वाले हैं। और हमने ना अंदर कुछ भी नहीं किया है घर के, क्योंकि वानी ना पूरे दिन इधर से उधर घूमती है, और फिर ना वो उठा के ना दुले हुए हैं वो उठा के ना
खा जाती है, हर कुछ मुंह में ले लेती है, खा लेती है। पर ही वो गीले मैंने धो के रखे हैं दिए सारे। ओके ये ना बड़ी स्लिप हो रही है हाथ से। कौन बत्ती? परी एक बड़ी वाली प्लेट निकाल के ले आओ और यहाँ पे रखो और उसमें ना जो मतलब दिए है ना बहुत ज्यादा गीले वाले उसी में छोड़ देना और जो कम मतलब सूख चुके हैं ना वो इसमें रखो प्लेट में लगाओ। तियाना मैंने बना ली है और अब मैं इसमें कर दूंगी अरेंज और फिर हम ऑयल भर के मतलब रख देंगे, अपनी तरफ से पूरी प्रेपरेशन करेंगे और फिर मैं करूंगी शाम की पूजा और देन उसके बाद फिर हम जलाएंगे दिए, उसके बाद हम करेंगे पटाखे फोड़ेंगे। नहीं पहले खाना भी बनाना है भाई। खाना बनाने के बाद खा पी के पटाखे फोड़ना। ठीक है ये देखो अब थोड़े से ही मुझे दूसरी वाली बत्ती यूज करनी पड़ेगी, साइड में रख देंगे, ये हमारी तैयारियां पूरी हो जाएंगी। फोटो फ्रेंड्स फिलहाल मैं हो गई हूँ रेडी और फिलहाल मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए जल्दी से क्योंकि देर हो रही है काफी। देखो सरप्राइज मिल गया है, प्रियसी ने ना सारे दिए में तेल डाल दिया है। फ्रेंड्स आज ना प्रियसी जिद कर रही है मुझे करनी है पूजा तो प्रियसी करेगी। तो प्रियसी टीका लगाओ सबसे पहले, टीका लगाओ फिर माला पहनाओ। और ये देखो हमने ना खील भी लिया है। अभी हम तो करने वाले हैं पूजा और आप लोगों ने पूजा कैसे की ये कमेंट में जरूर बताना। चलो पर ये अभी सारी मत जलाओ, पहले मैं ये मंदिर में रखे हूँ तुलसा जी का रखे हूँ। ठीक है यहाँ भी लाइट जला दे, लाइट जला दे। मेरा फोटो कर दिया ना, फोटो देखो इधर, इधर तो देखो। चलो अभी मैं जा रही हूँ नीचे मेन गेट पे दिए लगाने के लिए। आप भी व्लॉग से कम नहीं हो। अभी हम लोग ना बॉम्ब पटाखे चलाने के लिए जा रहे हैं।
अनार 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 जला दे, बम तो तू ही है, बम तो तू ही है, बम बनाने वाली ना वो शिफ्ट होके अब बन रहा है क्योंकि बच्चे नहीं थे ना दिन में, तो अभी मैंने बनाया है, खीर बन चुकी है और छोले बनाए हैं, राइस बनाए हैं, जरा दिखाओ दिखो ये देख चावल छोले हमारी खीर। तो आज की हमारी दिवाली थाली में है खीर, पूरी, कचौड़ी, छोले और राइस। अभी बजे हैं रात के 11 और हम और वानू आए हैं निन्नू करने, बाकी सब ना सो चुके हैं। आज के दिन को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, हम सभी ना बहुत ही भाग्यशाली हैं जो ये दिन हमारी लाइफ में आया। कहाँ सतयुग के लोगों ने देखा होगा राम प्राकट्य को और आज फिर हम सब आपने मिलके देखा है। हाँ देखो वानु जय कर रही है ना, जय वानु ने पूरे जब हम गए हैं ना मंदिर में, सारे मंदिर में जय करी है, पूरे रास्ते जय 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 करके गया था, है ना? कैसे करी थी वानु ने बताओ? जय। और तो फ्रेंड्स रात हो चुकी है बहुत ज्यादा, ये व्लॉग मैं करूंगी यहाँ पे एंड, मिलते हैं फिर से एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय कौन करेगा? बाय बाय फ्रेंड्स, जय श्री राम। फ्रेंड्स बाय बाय के बाद एक बार तो कहना पड़ेगा जय श्री राम, बोलो जय श्री राम। मैंने जय श्री राम बोलने के लिए बोला है। चलो फ्रेंड्स ये तो नहीं बोल रही है बट आप जरूर बोलना जब व्लॉग देखोगे।